वैसे तो दोस्तों मैं वीडियो डेली बनाता हूँ, डेली अपलोड करता हूँ, डेली आपके लिए एक नया नया इन्फॉर्मेशन मॉल एंटीन से रिलेटेड लाता रहता हूँ। लेकिन दोस्तों संडे का जो वीडियो होता है, संडे के दिन जो मैं वीडियो बनाता हूँ, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है दोस्तों। क्योंकि आप जानते हैं कि संडे के दिन मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूँ। तो दोस्तों जब मैं आपको कमेंट को पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई देता हूँ, तो मुझे ऐसा फील होता है दोस्तों कि आपके साथ बैठ के मैं बात कर रहा हूँ, आपके साथ सीधा इंटरेक्ट कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो प्लीज मेरे भाई इस फील, ये जो मेरा फील है दोस्तों, इसको मत तोड़िएगा आप लोग। और प्लीज आप लोग कमेंट करना नहीं छोड़िएगा, कमेंट भर भर के कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं वीडियो बना पाऊँ। तो दोस्तों चलिए, आज भी संडे है और जैसा कि आप जानते हैं कि इस दिन मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूँ, तो आज भी मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा और उसका रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका भी नाम इस वीडियो में आए, क्योंकि आपका कमेंट भी मैं पढ़ सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप ये पूरा वीडियो देखिएगा, मैं इस वीडियो को शुरू करने जा रहा हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मुकेश कुमार, स्वागत करता हूं आपको डॉन 20 यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों चलिए, मैं बिना कोई समय गवाए मैं आपका कमेंट पढ़ना शुरू करता हूं। और चलिए मैं देखता हूं पहला कमेंट किनका है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट। तो दोस्तों पहला जो कमेंट है वो है राहुल रावल जी का, जो लिखते हैं कि सर कैसे हो आप, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो पर आपकी टीम बहुत कम है, क्यों क्यों है, और मुझे ये बताएं कि क्यूआर कोड दुकानदार की दुकान से कैसे अटैच होगा। तो राहुल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे पूछा कि कैसे हैं सर, तो मैं बहुत अच्छा हूँ और आप कैसे हैं प्लीज़ कमेंट जरूर लिखिएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो टीम है अभी कम है, इसलिए कम है तो राहुल जी कि मैंने जनवरी में ज्वाइन किया था, जनवरी 2021 में। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा टीम अभी कम से कम 450 या 500 के लमसम में बन चुका है, लेकिन वही है कि ज़्यादातर लोग इनएक्टिव रहते हैं, इसलिए जो मेरा जो स्क्रीन है, जो मेरा मॉल 19 का स्क्रीन है, मेरा नेटवर्क वहाँ पे कम दिखाई देता है क्योंकि लोग इनएक्टिव रहते हैं। लेकिन प्रयास में लगा हुआ हूँ और काम कर रहा हूँ आप ही की तरह, आप सब लोग की तरह। ठीक है, और जहाँ तक बात आपका क्यूआर कोड का है कि दुकान से कैसे अटैच करें, तो मैं इसमें वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो में आपको ऊपर आई बटन मिल रहा होगा, लेकिन मैंने उसमें अभी प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया हूँ कैसे करना होता है। क्यों, क्योंकि राहुल जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक मॉल 19 से मुझे क्यूआर कोड परचेज मैंने किया ही नहीं है, और मुझे शायद कहिए कि मौका नहीं मिला। तो जैसे ही वो क्यूआर कोड मैं ले लेता हूं और दुकान पर जाके उसको अटैच करवाऊंगा उनके क्यूआर कोड से, तो वैसे ही मैं वीडियो उसका बनाऊंगा और प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो फिर आपको पता चल जाएगा। तो प्लीज़ इंतज़ार कीजिए राहुल जी, मेरे वीडियो, मेरा चैनल का जो वीडियो देखते रहिए, आपको ये वीडियो जरूर मिलेगा। ठीक है, फिर से शुक्रिया, धन्यवाद आपने कमेंट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो कमेंट है दोस्तों वो है अंशुमन गायकवाड़ जी का, जो लिखते हैं कि मेरे को भी हटाना है अपलाइन को। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि करीब करीब बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट हमको किए हैं कि सर अपलाइन को कैसे हटाया जाए, यानी उनका जो अपलाइन है उनको वो हटाना चाहते हैं। तो पहले ये मैं आपको बता दूं इनको क्यों हटाना चाहते हैं, उनसे दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है। और सबसे पहले मैं आप बता दूं कि उनके अपलाइन को आप कभी नहीं हटा सकते हैं, मॉल 19 में कोई नियम नहीं है, बस एक ही नियम है कि आप अपने नंबर को चेंज कर दें, मॉल 19 किसी दूसरे नंबर से रजिस्टर्ड करवा लें, तभी आपका ये हो सकता है, नहीं तो ऐसा कोई नियम नहीं है। और मेरे भाई क्यों आप लोग अपलाइन को हटाने के पीछे पड़े हुए हो, प्लीज़ उनसे क्या दिक्कत है। ठीक है, तो प्लीज़ उनको मत हटाइए, बल्कि आपको जो प्रॉब्लम आ रहा है आप हमसे पूछिए, हमारा जो चैनल है उसमें आप कमेंट कीजिए, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करवाऊंगा। उनके हटाने के पीछे मत पड़िए, बस अपना काम कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंशुमान जी कमेंट करने के लिए, आगे बढ़ते हैं। अगला जो कमेंट है दोस्तों वो है संत कुमार पांडे जी का, जो लिखते हैं कि सर मेरा सब वेरीफाई करवा दीजिए, मैं सर नहीं कर रहे। देखिए संत जी, बात ऐसा है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके जो अपलाइन है आप उनको पहले संपर्क कीजिए, उनको कॉल कीजिए, उनको पूछिए कि मेरा सब वेरीफाई क्यों नहीं हो रहा है, जल्दी जल्दी मेरा सब वेरीफाई करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप अपलाइनर हैं, आपका ड्यूटी है, आपका फर्ज बनता है। तो प्लीज आप उनको कॉल ज्यादा से ज्यादा कीजिए। और जहां तक आप वो बोल रहे हैं महेश सर नहीं किए, तो देखिए महेश सर क्या है, महेश सर बहुत बिजी रहते हैं, उनके पास उतना फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, और सब वेरीफाई करने का प्रोसेस होता है। और जहां तक आपकी बात है, मैंने आपका डिटेल पढ़ा है, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो के माध्यम से आप जान जाए कि आपका जो सब वेरीफाई करना है उसके लिए आपको प्रोसेस से ही आना पड़ेगा, और उसके लिए आपको 15 सेकेंड का वीडियो बनाना ही पड़ेगा। और दोस्तों आप जैसा कि आप वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप पे भेजे थे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो जो वीडियो ऐसा नहीं बनता है, प्लीज अपने दुकान पे खड़ा होकर जो सेल्फी स्टार्ट कर दीजिए, वो वीडियो बनाइए कि मेरा नाम ये है और मेरा ये दुकान है और मैं इसको वेरीफाई करवाना चाहता हूँ, प्लीज मेरे दुकान को वेरीफाई कर दे, ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा पैन कार्ड है, आपको इस वीडियो में दिखाना पड़ेगा, ये वीडियो आप बनाइए।
और एक फोटो खींचिए वहां पे, तब जहां पे सब वेरीफाई करने का ऑप्शन आता है वहां पे जाइए, वहां पे अपना फॉर्म फिलअप कीजिए और वीडियो अपलोड कीजिए, फोटो अपलोड कीजिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड अपलोड कीजिए, तब आपका दुकान शॉप का शॉप जो है वेरीफाई जरूर होगा। तो प्रोसेस में आके अच्छा से हर चीज कीजिएगा तो क्यों नहीं होगा। तो प्लीज अपने प्लानर को ज्यादा से ज्यादा आप उनसे कहिए, उनसे बात कीजिए और उन्हीं से ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व करवाने का प्रयास कीजिए। अगर वहां नहीं होता है या फिर अब आपके प्लानर है ही नहीं, मतलब 91 से हट गए हैं, तब आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज आप इतना कर लीजिए, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। तो थैंक यू वेरी मच कमेंट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो कमेंट है वह है एजुकेशन पॉइंट कॉमर्स जी का, जो लिखते हैं कि नाइस इन्फॉर्मेशन, प्लीज गिव मी न्यू अपडेट ऑन लोकल शॉप बेनिफिट्स। तो एजुकेशन पॉइंट कॉमर्स जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकल शॉप जब से अपडेट हुआ है तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, और मैं इस बात को एग्री करता हूं कि मैंने अभी तक इस पर वीडियो नहीं बनाया है, तो मैं प्रयास करूंगा इस पर वीडियो बनाने का, लोकल शॉप अपडेट होने के बाद क्या चेंजिंग हुआ है। वैसे मैं वीडियो कुछ वीडियो मैंने बताया भी है, लेकिन नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, प्लीज आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो कमेंट है वो है राहुल, राहुल जी का है, जो लिखते हैं कि सर मैंने ये लॉक स्क्रीन 91 लिखा था, ये लिखे लॉक स्क्रीन 91 को कर दिया तो अब फोन का लॉक खोलने में दिक्कत आ रही है। दोस्तों लॉक स्क्रीन 91 के बारे में मैंने वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल रहा है, देख लीजिएगा। दोस्तों मैंने उसमें यह बताया था कि आप लॉक स्क्रीन अगर चालू करवा देते हैं तो वो जो है आपके जो डाउनलाइन में जितने मेंबर है वो लोग खुद पे खुद एक्टिव रहेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको नोटिफिकेशन हमेशा आते रहेगा। तो दोस्तों वहां पे दिक्कत ये आ रही है कि फोन जो लॉक होता है वो खोलने में आ रहा है दिक्कत। तो प्लीज मेरे भाई, खोलने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ स्लाइड करना होता है, हमको भी प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं सिंपली स्लाइड करके खोल लेता हूं। तो मेरे भाई इतना तो कर ही सकते हो यार, ऐसा थोड़ी कि फोन खुल ही नहीं रहा है, ऐसा तो प्रॉब्लम आ नहीं रहा है, थोड़ा सा समय लग रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लीज आप इसका यूज कीजिए, ये जो फीचर है मोबाइल नेटवर्क का इसका यूज कीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने कमेंट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो कमेंट है वो है राहुल जी का ही है, राहुल जी का, जो लिखते हैं कि अगर मान ले सर अगर कोई एक दिन में एक बार नेट को ऑन करता है पूरे दिन तो एक बार तो वो एक्टिव रहेगा या नहीं। ये दोस्तों मैंने बताया था कि लॉक स्क्रीन 91 जब किसी को ऑन करवा देते हैं तो दो ही चांस बनता है कि वो बंदा जो है इनएक्टिव हो, एक तो या नेट उसके मोबाइल में नहीं हो या दिन भर में नेट ऑन नहीं करे, और दूसरा है कि मोबाइल 91 को अनइंस्टॉल कर दे। तो इनका एक कहना है राहुल जी का दोस्तों कि अगर दिन में एक बार भी नेट अगर खोल दे तो क्या वो एक्टिव हो जाएगा। बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही नेट खोलेगा मोबाइल 91 का नोटिफिकेशन उनको मिल जाएगा, तो जाहिर सी बात वो एक्टिव हो जाएंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, आप इसका भरपूर यूज कीजिए और मोबाइल 91 में आगे बढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मैसेज करने के लिए, कमेंट करने के लिए। ये दोस्तों आगे बढ़ते, अगला जो कमेंट है दोस्तों वो है बंसीधर राणा जी के, जो लिखते हैं कि सर मैंने जैसे ही चालू कर किया पर कुछ किया तो सीधे एक्टिव हो गया, ऐप परमिशन नहीं मांगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी फीचर जब एक्टिव करते हैं, चाहे कीबोर्ड 91 हो, ब्राउजर 91 या लॉक स्क्रीन 91 है या कोई भी, तो आपको परमिशन मांगता है वहां पे। दोस्तों मैंने परमिशन चूंकि नहीं दे रखा था इसलिए वीडियो में मैंने दिखाया कि परमिशन कैसे दिया जाता है, लेकिन आप लोगों ने परमिशन दे दिया होगा मोबाइल 91 को, इसलिए परमिशन नहीं मांगा है। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अच्छी बात है, परमिशन आप लोग पहले से दे रखे होंगे, इसलिए बंसीधर जी कोई दिक्कत नहीं है, परमिशन आप दिए होंगे पहले इसलिए परमिशन नहीं मांगा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो कमेंट है वो है वनली स्टेटस 5M, इनका कहना है कि सर टीवी 91 क्या है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि टीवी 91 पर मैं बहुत जल्द वीडियो लाने वाला हूं और मैं आपको बनाऊंगा। प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, कर लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही मैं वीडियो में डालूंगा आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन के माध्यम से टीवी 91 क्या है, ठीक है, तो आप वहां से देख लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो कमेंट है ओनली स्टेटस 5MG का ही है, जो लिखते हैं कि सर प्लीज लॉक स्क्रीन 91 इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो मेरे भाई मैं लॉक स्क्रीन 91 पर वीडियो बना दिया हूं, ऊपर आपको आई बटन में वो वीडियो मिल रहा होगा, मैंने पहले दे दिया है, तो आप प्लीज वहां से देख लीजिए और मेरे चैनल में भी जाके आप देख सकते हैं जहां पे लिखा होगा, एक प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर दिया है मोबाइल 91 सर्विसेज एंड मोबाइल 91 एप्स, तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे अगला भी कमेंट इन्हीं का है, जो लिखते हैं कि सर मोबाइल 91 में अपलाइन मेंबर को कैसे हटाया जाए, प्लीज रिप्लाई मी। तो मेरे भाई अपलाइन को हटाने का क्यों आप लोग लगे हुए हैं यार, उसको हटाने का बस अपना काम करते जाइए, और कोई दिक्कत आता है वो नहीं बताते हैं, तो मीटिंग ज्वाइन कीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेली प्रतिदिन चैट 91 पे जगत सर मीटिंग देते हैं और वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं उसका लिंक आपको दूंगा,
अगर आप लोग बोलिएगा तब, कमेंट कीजिएगा तब। चैट चैनल में डेली रात के 10 बजे मीटिंग होती है, वहां पे आप जुड़िए, जुड़िए वहां पे क्वेश्चन कीजिए, डायरेक्ट उनसे क्वेश्चन कीजिए जगत सर से जो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अपने आप प्लानर को हटाएं बैठाएं, इसके चक्कर में आप लोग नहीं पड़े, प्लीज अपना काम करते जाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो कमेंट हुआ है वेस्ट बंगाल जी का, जो लिखते हैं कि सर वर्चुअल शॉप पर एक ऑर्डर करके दिखाएं। तो वेस्ट बंगाल जी, ये सच्चाई बात है कि मैंने वर्चुअल शॉप पे ऑर्डर करके अभी नहीं दिखाया है, क्योंकि अभी इस तरह का ऑर्डर मुझे आया भी नहीं है वर्चुअल शॉप पे। क्रिएट तो मैंने कर दिया लेकिन ऑर्डर ही नहीं आया है, तो आगे का प्रोसेस मैं नहीं दिखा पाया हूँ, लेकिन बहुत जल्द मैं अपने ही एक दोस्त के मोबाइल से अपने दुकान से ऑर्डर करूंगा और सारा प्रोसेस आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज इसका मैं वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्द बनाऊंगा, इसलिए हमारे चैनल को आप देखते रहिए, हमारे चैनल पे आते रहिए, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगा बहुत जल्द, ठीक है। तो चलिए शुक्रिया कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो कमेंट है ओनली स्टेटस 5MG का है, जो लिखते हैं सर फोटो 91 और चैट 91 से पैसे मिलता है क्या। तो मेरे भाई फोटो 91 से पैसे अभी नहीं मिलते हैं, चैट 91 से मिलते हैं। जब चैट 91 से जब आप किसी को रेफर करते हैं, नए लोग को मोन 91 ज्वाइन करते हैं, तो वहां से आपको 2 रुपया मिलता है, तो इससे तो पैसा मिलता है, लेकिन फोटो 91 से अभी नहीं फिलहाल मिल रहा है, भविष्य में हो सकता है कि मिले, ठीक है। तो ओके, बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अगला जो कमेंट है दोस्तों वो है मदन जी का। दोस्तों इन्होंने कमेंट किया है कीबोर्ड 91 से रिलेटेड। इन्होंने क्या बोला है दोस्तों कि कीबोर्ड 91 में, चूंकि आप जानते हैं कि अभी हिंदी वर्जन नहीं आया, सिर्फ इंग्लिश वर्जन आया है, इंग्लिश में टाइपिंग होता है, और दोस्तों टाइपिंग भी आप करते हैं तो थोड़ा कुछ गलत हो जाता है। जैसे कि इनका कहना है मदन जी का कि सर अभी सही से लिखा नहीं रहा है, कुछ देर लिखते हैं कुछ और, मतलब लिखते कुछ और है, आता कुछ और है, और हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा मदन जी कि अभी अभी तो कीबोर्ड 91 इस्तेमाल में आया है, तो इस पर अभी टेस्टिंग चल रहा है, इस पर अभी अपडेट आएगा, बहुत सारा सुधार होगा, और हम लोग को सुविधा के लिए बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है उसमें हिंदी भी आएगा हम लोग को सुविधा के लिए। तो निश्चिंत रहिए, आने वाला समय में कीबोर्ड 91 बहुत अच्छा हो जाएगा, जो कीबोर्ड अभी आप इस्तेमाल करते हैं पहले से वैसा हो जाएगा, बस फर्क ये है कि वहां से कुछ नहीं मिलता है, यहाँ से आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए मदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अगला जो कमेंट है दोस्तों वो है अभय जी का, जो लिखते हैं कि प्रोडक्ट शेयर किया नहीं तो हो रहा है कीबोर्ड 91 में। तो वही बात है कि अभी कीबोर्ड 91 पे काम चल रहा है, बहुत सारा अपडेट बाकी, अपडेशन बाकी है, बहुत सारा काम उस पर टेस्टिंग चल रहा है, तो जैसे ही होगा ये भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट कीबोर्ड 91 से शेयर होगा, ठीक है। अभी फिलहाल नहीं हो रहा है, मेरे को भी नहीं हो रहा है, इस पर भी काम चल रहा है, निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छा काम चल रहा है, और आगे बहुत भविष्य में अच्छा अच्छा लाने वाला है फीचर मोन 91, इसलिए इससे जुड़े रहिए, ठीक है। शुक्रिया धन्यवाद कमेंट करने के लिए अभय जी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो कमेंट दोस्तों वह है मुकेश संखाला जी का, जो लिखते हैं संखला जी का, जो लिखते हैं कि सर जी पैसे कब आएंगे। दोस्तों इनका कहना है कीबोर्ड 91 या ब्राउजर 91 जो यूज करो उसका पैसा कब आएगा। तो मैंने तो बता दिया है दोस्तों कि कीबोर्ड 91 हो या ब्राउजर 91 हो, आप कंटिन्यू 7 दिन यूज करना पड़ेगा, आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, एक दिन भी गैप नहीं रखना पड़ेगा, तब 8वां दिन से पैसा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए, काम करते रहिए, पैसा जरूर आएगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी कमेंट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो कमेंट है दोस्तों वह है राजू जी का, जो लिखते हैं सर एक नोटिफिकेशन आया था कैशबैक की, वो क्या है और कैसे मिलेगा, प्रैक्टिकल में अगर बताया तो अच्छा होता। राजू जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नोटिफिकेशन आपको आया है कैशबैक का, उसका अगर स्क्रीनशॉट आपके पास है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज़ आप मेरे व्हाट्सएप में भेज दीजिए, ताकि मैं उसको देखना चाहता हूँ, और मैं देखना चाहता हूँ कि वो कैसे है क्या है, तभी मैं आपको बता पाऊँगा, हो सकता है उसका मैं वीडियो ही बना दूँ। तो प्लीज़ वो नोटिफिकेशन भेजिएगा, और वो जो है भेजिएगा मेरे पास, तभी मैं कुछ कर पाऊँगा। और वैसे मेरा इस चैनल के जो अबाउट सेक्शन है वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो प्लीज़ वहाँ से भेजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी। आगे बढ़ते हैं। जो कमेंट दोस्तों है आदू राम जी का, जो लिखते हैं कि सर लोकल शॉप का पेमेंट नहीं मिल रहा है, जो अटक गया है, टिकट बुक किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है, और कस्टमर केयर भी कोई निवार नहीं है, क्या करें, 5400 रुपया अटका हुआ है। तो आदू राम जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने अपलाइनर से मुलाकात कीजिए, उनसे फ़ोन कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनसे कहिए कि इस तरह का प्रॉब्लम आ गया, मुझे सॉल्व कीजिए। उनका फर्ज बनता है सॉल्व करना, उनका काम ही है सॉल्व करना, उनको नहीं समझ में आता है तो आगे ले जाएंगे, आगे मतलब आपके शिकायत को, आपके कंप्लेन को ले जाएंगे, करना ही करना है, अप्लाइनर है किस लिए। तो प्लीज़ अपने अप्लाइनर को संपर्क कीजिए, उनसे आप बात कीजिए, अगर नहीं प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व होता है तो उसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, मैं प्रयास करूँगा, कोशिश करूँगा, जहाँ तक संभव हो मैं आपको काम करवा दूँगा, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो कमेंट है दोस्तों वह है सत्यम क्लब जी का है, जो लिखते हैं कि नमस्ते सर जी। नमस्ते सत्यम जी, कैसे हैं। मेरा दोस्त मेरा डाउनलाइन है, उसमें मेरा कहने पर अपनी दुकान मॉल 91 में लोकल 91 में रजिस्टर्ड कराया है, पर
तीन हफ्ते हो गए पर मॉल 91 ने उसका एक रुपया भी नहीं दिया है, पेमेंट नहीं दिया है। तो अभी तक 125 रुपया हो गए हैं और मेरे दोस्त मुझे सवाल कर रहा है कि उसका तो नुकसान हो जाएगा। मेरे भाई सत्यम भाई, नुकसान कैसे हो जाएगा आप बताइए? नुकसान हो ही नहीं सकता है। किस आधार पर आप बोल रहे हैं नुकसान हो जाएगा? यहाँ पे नुकसान होगा ही नहीं। प्लीज़, अगर आपको नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, आपके प्लानर से भी नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ये उसका स्क्रीन शॉट भेजिए, और हो सकता है तो छोटा मोटा वीडियो स्क्रीन वीडियो बना के भेजिए, मैं आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने का कोशिश करूँगा आपके दोस्त का, ठीक है? तो शुक्रिया कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो कमेंट है वो है नीलेश जी का है, अर्निंग स्विथ नीलेश सिंह जी, जो लिखते हैं दोस्तों कि बहुत ही जबरदस्त अपडेट लाया है मोल 91, मजा आ गया। हाँ दोस्तों, सही में बहुत ही जबरदस्त अपडेट लाया है मोल 91, जहाँ से आपको डिटेल मालूम चलता है कि जो इनएक्टिव लोग हैं वो जो अनइंस्टॉल जो मतलब किस लिए इनएक्टिव है, सारा चीज़ वहाँ से पता चलता है, वो अनइंस्टॉल कर दिए नहीं कर दिए, ये सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है नया अपडेट में। तो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए और मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं तो परमानेंट इसमें काम करता हूँ ऑनलाइन जोन में। तो बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी कमेंट करने के लिए। आगे बढ़ता हूँ, अगला जो कमेंट दोस्तों वो है पीयूष मेहता जी का, जो लिखते हैं कि सर आप एक ऐसा वीडियो बनाएं आप जिसमें ये बताएं आपकी जो मोल 91 में न्यू यूजर हैं उनको कैसे बिलीव दिलाया जाए कि आप मोल 91 से इनकम बना सकते हैं, इसके सारे फीचर बताएं आप, जैसे कि वो 91 टास्क कंप्लीट, रेफर कोड शेयर, या क्या होगा सर करते, क्या फीचर है मोल 91 का, इसका स्कोप कितना है, अपने वाला टाइम पर इस पर वीडियो बनाएं। तो पीयूष जी, मैं बताना चाहूँगा कि मैंने इसी रिलेटेड कुछ वीडियो बनाया है, जहाँ से लोग मैंने ये बताने का उसमें प्रयास भी किया है कि आप क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे तो लोग मोल 91 में ज्वाइन होंगे और लंबे समय तक रहेंगे, काम भी करेंगे। तो वहाँ से अगर थोड़ा समय मिले तो प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा, और वैसे भी आप जो यू नो आपने जो रिक्वेस्ट किया है मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊँगा और आगे भी बनाऊँगा। और वैसे भी मैं पीयूष जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किसी को विश्वास तभी दिला सकते हैं जब आप खुद आपने वो अचीवमेंट प्राप्त कर लिया है। जब आप अपना अचीवमेंट प्राप्त कर लेंगे, वो अचीवमेंट आप दिखाएंगे लोगों को, तो विश्वास अपने आप हो जाएगा। तो आपका जो फीचर है मोल 91, कीबोर्ड 91, ब्राउजर 91, ये सब के माध्यम से, इस सब के माध्यम से आप लोगों से जुड़िए, उनसे आप मोल 91 में ज्वाइन करवा सकते हैं, वो काम करेंगे, क्योंकि पैसा कौन नहीं कमाना चाहता है। तो प्लीज आप अपना अचीवमेंट बनाइए पहले, उसके बाद उस अचीवमेंट को प्रचार कीजिए, लोगों को बताइए, जरूर लोग ज्वाइन होंगे और लंबे समय तक रहेंगे, विश्वास कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी कमेंट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला जो कमेंट है दोस्तों वो पीयूष जी का ही है, जो लिखते हैं कि सर ऐसा वीडियो बनाइए जो प्लीज मेंबर को कैसे बनाए रखें। तो प्लीज मैंने टिप्स दिया है, आप देख लीजिएगा, अगर वहां से भी अगर संतुष्टि नहीं मिला तो मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, इस पर ही वीडियो बनाऊंगा, आगे बनाऊंगा, प्लीज आप देखिएगा, स्टेप मैं बताऊंगा कैसे क्या करना होता है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये रिक्वेस्ट किया है और आपके माध्यम से बहुत लोग जानेंगे इसके बारे में, बहुत लोगों को फायदा होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैसेज कमेंट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो कमेंट है वो अनिल चौहान जी का है, जो लिखते हैं कि सर आप कीबोर्ड 91 ब्राउजर 91 का एक वीडियो बनाएं। मेरे भाई, मैंने वो वीडियो बना दिया है, ठीक है, आपको ऊपर आपको मोल 91 सर्विसेज मिनी ऐप का एक लिंक मिल रहा होगा, प्लीज आप वहां से देख सकते हैं। अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो मैंने उसका वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, प्लीज आप वहां से देख लीजिए, ओके। बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो कमेंट है वो प्रवीण धीमन जी का है, जो लिखते हैं कि कल मेरे बोनस वॉलेट में भी आया है पैसा। चलिए, अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने कमेंट भी किया कि आपका पैसा बोनस वॉलेट में आया है, आपके माध्यम से सभी लोग जान पाएंगे। तो ये सब चीज़ क्या होता है दोस्तों, कि मोटिवेट करता है लोगों को काम करने के लिए कि इनका आया है तो मेरा भी आएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही साथ कांग्रेचुलेशन। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला जो कमेंट है वो पीयूष मेहता जी का, जो लिखते हैं कि सर आप अपना व्हाट्सअप नंबर दीजिए। सर पीयूष जी, मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे भाई कि चैनल का जो डोंट वरी चैनल है, इसका अबाउट सेक्शन में वो नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर आप वहाँ से देख सकते हैं, और वो व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से प्लीज़ आप कमेंट मैसेज कर सकते हैं, हेलो लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला जो कमेंट है वो पीयूष जी का है, जो लिखते हैं कि सर आप प्लीज़ ये कैसा वीडियो बनाएं जिसमें मोल 91 कैसे बनाए रखें और उन्हें एक्टिव रख पाएँ, और बात है जो जरूरी जो लोग मोल 91। देखिए पीयूष जी, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आप कितना भी लोगों को समझा दीजिए, कितना भी सच्चाई दिखा दीजिए, जब तक वो खुद काम नहीं करेंगे, उनके अंदर इच्छा होना चाहिए काम करने का। अगर पैसा कमाने का इच्छा नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, आप कितना भी बीन बजाते रहिएगा, वो भैंस की तरफ पगड़ाते रहेंगे, समझ गए? तो प्लीज ऐसा नहीं होता है, आप बोलिए, आप सारा चीज बता दीजिए, जो काम करने वाला बंदा होगा तुरंत काम करना शुरू कर देता है। आप खुद पे सोचिए ना कि आपको कोई बताया होगा, आप तुरंत ज्वाइन कर गए, क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा थी कि नहीं, अच्छा है
मैं कमाना चाहता हूँ, बस यही इच्छा होना चाहिए लोगों के पास। तो आप कितना भी लोगों को समझा दीजिएगा मुश्किल है, अगर नहीं उनका इच्छा है तो मुश्किल है। मतलब आप किसी को राह दिखा सकते हैं या ऐसा हाथ धर के आप नहीं बोल सकते हैं कि ये काम करो, ठीक है। तो प्लीज़ मैं वीडियो जरूर लाऊंगा, और बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो कमेंट है वो है पीयूष जी का, जो लिखते हैं कि सर प्लीज़ व्हाट्सअप पर मैसेज कर दीजिएगा जो आप वीडियो अपलोड कीजिएगा। तो पीयूष जी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही आप सब्सक्राइब कीजिएगा नोटिफिकेशन के माध्यम से तो वीडियो वैसे भी आपको मिलता रहेगा। और मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं हो सकता है मैं आपको नहीं लिंक सेंड कर पाऊँ, क्योंकि मैं और भी काम करता हूँ तो टाइम नहीं मिल पाता है, तो इसलिए सॉरी मैं पहले ही बोल देना चाहूँगा आपको कि अगर मैं आपको नहीं सेंड कर सकूँ वीडियो, लेकिन आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से वैसे भी तो पता चल ही जाएगा आपको, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो कमेंट है बबलू कुमार सिंह का है, जो लिखते हैं कि सर आपका सब सारा वीडियो मैंने देख रखा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बबलू जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरा सारा वीडियो देखे हैं। तो प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगता है तभी आप देखते होंगे, और भगवान करे कि आपका मेरे वीडियो से फ़ायदा हो, ऑनलाइन ट्रेड में तरक्की करे। इसी चंद शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि ये आखिरी कमेंट है इनका बबलू जी का, ठीक है। और दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, सारा कमेंट का रिप्लाई मैंने दे दिया है, तो आप लोग हमारा इस वीडियो देखे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसी तरह का वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने लोग भाई मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट तो जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तभी तो मैं वीडियो बना पाऊंगा, ठीक है। तो इसी तरह का मैं आपको इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा अपने चैनल के माध्यम से। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपने हमारा वीडियो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को और शेयर करेंगे, मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, जय मोलेंटी।